गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है 5 अक्टूबर। मैं कल चरखारी होकर आ गया हूँ और चरखारी के जो वीडियोस हैं वो आज नाइट या आज इवनिंग से मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब मैं चरखारी गया तो मुझे चरखारी गढ़ का जो फोर्ट है उसके बारे में कुछ बेहद महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशंस प्राप्त हुई जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, साझा करूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, चरखारी का फोर्ट जो है वो घूमने के पर्पज़ का अब नहीं रह गया है क्योंकि उसे इंडियन आर्मी ने कैप्चर कर लिया है। वो एक्चुअली गन स्टोर हाउस बन गया है इंडियन आर्मी का, इसलिए आप वहाँ पे घूम नहीं सकते हैं। पर हाँ, बाहर से उसकी प्रमाइसिस को देख सकते हैं, जो आउटर वॉल्स हैं फोर्ट्स की आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं चरखारी के फोर्ट की बात करूँ तो इस फोर्ट को जो बसाया गया था वो महाराज मंगल सिंह ने बसाया था, जो कि बुंदेला के लिए थे। तो ये फोर्ट जो है बुंदेलखंड में, जो कि 13 जिले हैं, उन 13 जिलों में स्थित 50 या 60 फोर्ट्स में से उन तीन फोर्ट्स में शुमार है जो बेसिकली ऑफेंडिंग के लिए बनाए गए थे, ना कि डिफेंडिंग के लिए, अर्थात आक्रमण के लिए बनाया गया था चरखारी का फोर्ट। और जो दो फोर्ट हैं वो कालिंजर डिस्ट्रिक्ट बांदा उत्तर प्रदेश, ग्वालियर जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश, और चरखारी जिला महोबा उत्तर प्रदेश में शामिल है। तो अगर मैं इस फोर्ट की बात करूं तो ऐसा एक स्टोरी आती है 1857 की क्रांति के समय की, जो महारानी लक्ष्मीबाई थी। तो महारानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों पर अटैक करना था तो उनके पास 3 ऑप्शंस थे, क्योंकि झांसी का जो फोर्ट है वो डिफेंडिंग के लिए था, ऑफेंडिंग के लिए नहीं था। तो जब उनको अटैक करना था अंग्रेजों पर तो उनके पास 2 ऑप्शंस था सामने थे उनके, या तो वो ग्वालियर से अटैक करें या चरखारी से अटैक करें। चरखारी की दूरी अप्रॉक्सीमेटली 157 या 160 के करीब पड़ती है झांसी से, वहीं ग्वालियर महज 99 या 100 किलोमीटर दूर है। तो माननीय लक्ष्मीबाई को जो बेस्ट ऑप्शन लगा और लगना भी चाहिए था वो ग्वालियर था, क्योंकि नज़दीक था। इसी माननीय लक्ष्मीबाई ने जो है ग्वालियर के फोर्स से अटैक किया। चरखारी के किले की और कुछ खासियतों में, चरखारी के किले में 7 तालाब हैं और बहुत सा धन है जिसमें काफ़ी दिनों तक भारत में आराम से सर्वाइव कर सकता है, ऐसा कहा जाता है। ये श्रुतियाँ हैं, जनश्रुतियाँ हैं। एक्चुअली इसमें कितनी हकीकत है और कितनी फसाना है ये तो भगवान ही जाने। पर हाँ, चरखारी रियासत जो है अपने समय में काफ़ी संभ्रांत थी, और चरखारी का जो मेन जो ड्यूरी गेट है उसमें आप कोट ऑफ आर्म्स देख सकते हैं। और चरखारी का ड्यूरी गेट, उसी किले का मतलब नीचे वाला जो गेट है, उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक समय पर उस ड्यूरी दरवाजे में सोने के कलश लगे हुए थे, जो कि एक अद्वितीय नमूने थे। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।